सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं बनाने वाला हूँ आज एक RGB लाइट फैन सहित। दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक DC मोटर और ये PVC का कटिंग जो देख सकते हैं आप लोग। तो मैं कुछ इस पाइप में कुछ इस प्रकार से फिट करूँगा DC मोटर को जो देख सकते हैं, ताकि ये रन करने में दिक्कत ना आए इसको। तो फिट करते हैं हम फटाक से और दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमें फिट करना पड़ेगा। तो हम फटाक से इसमें डालते हैं फेविक्यूब ताकि फटाक से मेल्ट हो जाए तुरंत। तो देख सकते हैं आप लोग, तो कुछ इस प्रकार से हमें पहले इसमें हल्का हल्का डालना पड़ेगा ताकि ये निकले ना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं कुछ इस बिल्स को फिट करूंगा जो मैं कुछ इस प्रकार से पहले से इसमें कटिंग कर लिया हूं, जो देख सकते हैं आप लोग। ये मेरे पास लोहा जो कुछ इस प्रकार से फिट करूंगा गाइस, जो देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों इसको मैं इसलिए फिट कर रहा हूं कि इसमें करंट पहुंचने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैं फिट कर रहा हूँ। तो गाइस ये पूरा अंदर चला गया, बट इसको पूरा नहीं जाना। तो हमें कुछ इस प्रकार से इसको फिट करना पड़ेगा, जो देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से मैं एक PVC का कटिंग करके 6 होल कर दिया इसमें, जो कुछ इस प्रकार से मैं फिट करूंगा। तो इसमें लगाता हूँ ग्लू, जो देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार से हल्का हल्का ग्लू लगा देना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। जो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से हमें, जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से मैंने इसको फिट कर दिया हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, अब इसमें हमें बल्ब लगाना है। ये मेरे पास LED बल्ब जो देख सकते हैं आप लोग, और मैं कुछ इनमें कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करने वाला हूँ, फिट करने वाला हूँ, जो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से। सारे बल्ब को कुछ इसी प्रकार से हमें फिट कर लेना है फटाक से। आपको अगर बनाना है कि अगर आपको बनाना है कि कुछ बड़ा करना है, तो आप लोग बड़ी लाइन लेना पड़ेगा, जिसमें से 10, 12, 25 जितना भी आपको बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ डेमो के लिए तीन में ही बना रहा हूँ, थ्री में, यानी कि त्रिदून सिक्स, ये सिक्स लगेंगे बल्ब। तो मैं फटाक से इनको लगाता हूँ, जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमें बैठाना पड़ेगा। तो मैं इनको भी कुछ इसी प्रकार से फटाक से लगा दे रहा हूँ। अब इनका करना है हमें कनेक्शन, तो हम करते हैं फटाक से कनेक्शन और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं इसमें कनेक्शन कर दिया हूँ, जो प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में। और हाँ दोस्तों, प्लस मैंने इसके शाफ्ट से लिया है और माइनस में ये नीचे जो पत्ती लगी हुई है, बस मैं माइनस इससे लिया हूँ गाइस, जो देख सकते हैं कि कुछ इस तरह रोटेट करेगा। और यहाँ से दूंगा एक प्लस और यहाँ से इस पत्ती में दूंगा माइनस। तो देता हूँ फटाक से इसमें कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वायर जो हम कुछ इसके नीचे से इस प्रकार से लगाएंगे। तो इसके नीचे से फटाक से इस प्रकार से लगाएंगे तो हम इसमें करंट जाएगा। तो दोस्तों लगाते हैं फटाक से और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों मैंने इस वायर को भी लगा दिया हूँ, देख सकते हैं कि मैं इसमें अटैच कर दिया हूँ।
अब दोस्तों करते हैं इसका कनेक्शन, तो करते हैं फटाक से कनेक्शन और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं कुछ इस प्रकार से इस पाइप को अभी इसके मेल्ड करूंगा, बट इसके पहले हमें इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। तो हम इसका कनेक्शन कर ले रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको। दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने इसका भी कनेक्शन कर दिया है, एक ठो मैंने माइनस को बॉडी में अटैच कर दिया हूँ और प्लस को किसी में नहीं अटैच किया हूँ, सिर्फ मोटर में अटैच किया हूँ, जो देख सकते हैं। अब गैस पर लगाते हैं हम कुछ इसको, पीवीसी पाइप से लगाएंगे हम, तो इसमें कुछ इसी प्रकार से अच्छे से बैठा देना है हमें और बैठा के डाल देना है फेविक्यू, जो देख सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं मैं ग्लू डाल के इसमें फिट कर दिया हूँ। अब लगाते हैं कुछ बॉक्स में, जो ये मेरे पास बॉक्स, जी हाँ दोस्तों इस बॉक्स में हम कुछ इस प्रकार से फिट करेंगे अभी, इस प्रकार से हमें फिट करना है। तो हम फटाक से इस पे छोटा सा होल कर देते हैं, मैं कुछ इस प्रकार से छेद करके इसमें फिट कर दी हूँ। अब इसको कुछ इस प्रकार से लगा के अच्छे से हमें डाल देना है फेविक्यू, ताकि ये बराबर बैठ जाए। तो मैं फटाक से डाल रहा हूँ फेविक्यू। दोस्तों देख सकते हैं मैंने एक ऑन ऑफ करने के लिए बटन लगा दिया है, और ये है गाइस बैटरी, देख सकते हैं कि प्लस और माइनस दोनों अटैच कर दिया हूँ। अब गाइस कुछ इस प्रकार से मैं इसको फिट करने वाला हूँ, जो देख सकते हैं कि मैं डबल टेप के माध्यम से, तो मैं इसको करता हूँ बाहर और इस बैटरी को मैं इसके अंदर, कुछ इस प्रकार से बैटरी को फिट कर देना है अच्छे से, ताकि बैटरी निकले ना हमारी। दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने बॉक्स को बंद कर दिया हूँ, जो कुछ इस प्रकार से गैस दिख रहा है। अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार, तो चलते हैं एक बार ऑन करने। दोस्तों देख सकते हैं ये तो पूरा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों एक बार करते हैं लाइट को ऑफ और फिर दिखाते हैं आपको इसको ऑन करने के बाद किस तरह चल रहा है गैस। तो लाइट को करते हैं हम ऑफ। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं लाइट को ऑफ कर दिया हूँ, और एक बार ऑन करके थोड़ा सा देखते हैं हल्का सा। तो वाह गाइस, तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। वाह तो दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ये। तो गाइस देख सकते हैं कि कितना औसम तरीके से चल रहा है ये। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस प्लीज़ दोस्तों। तो चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर।